Hello students, in today's lecture we will discuss how to convert a binary number into its octal equivalent, and in second part we will also see the conversion of a binary number into hexadecimal number. Detailed procedure ko samajhne ke liye hum ek 8 bit binary number lenge. Let is case mein jo binary number hai, that is 1001 0011. स्टेप वन में आपने बाइनरी नंबर के 33 बिट्स के ग्रुप्स बनाने हैं, और इसमें आपने जो ग्रुपिंग स्टार्ट करनी है वो होगी राइट टू लेफ्ट. अब यहाँ पे हमने 3 बिट्स की ही ग्रुपिंग की है, वहाँ पे 2 या 4 नंबर यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि यूजिंग 3 बिट्स हम 8 डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऑक्टल नंबर के केस में वो होते हैं 0 to 7. हमने जो नंबर कंसीडर किया है वो है 1001 0011. तो जब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो 011 फर्स्ट ग्रुप में, 010 सेकंड ग्रुप में, और 10 थर्ड ग्रुप में. इस एग्जांपल में लास्ट ग्रुप में हमारे पास सिर्फ 2 ही बिट्स हैं, राइट. तो अब हम इनके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर लिखेंगे. तो फर्स्ट ग्रुप की डेसिमल में वैल्यू आएगी 3, देन सेकंड ग्रुप 2, एंड लास्ट ग्रुप अगेन 2. तो ये जो वैल्यूज हैं इसके लिए आप शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं, वो उसके लिए आप वीडियो चेक कर सकते हैं, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल नंबर. बिट 1 की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बिट 2 की प्लेस वैल्यू 2, और बिट 3 की प्लेस वैल्यू 4. सो जो फाइनली आफ्टर ग्रुपिंग नंबर मिलेगा वो क्या होगा? ऑक्टल नंबर, राइट. सो इस केस में जो हमारा ऑक्टल इक्विवेलेंट है, डेट इज 223 base 8. अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है जिसमें आपने एक बाइनरी नंबर 1010 1101 को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है. चलिए अब हम देखते हैं कैसे एक बाइनरी नंबर को उसके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया जाता है. तो इसके लिए अगेन फर्स्ट स्टेप में आपने जो ग्रुपिंग करनी है वो 4 बिट्स की करनी है, क्योंकि 4 बिट्स को यूज़ करके हम 16 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन अचीव कर सकते हैं. सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी 16 ही अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होती हैं, 0 to 9 एंड ABCDE एंड F. टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर इन डिटेल, लेट अस कंसीडर ए 8 बिट बाइनरी नंबर विद वैल्यूज 1 1 0 1 0 0 0 1. सो यहाँ पे हम जब 4 की ग्रुपिंग करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप में जो ग्रुपिंग होगी वो अगेन राइट टू लेफ्ट होगी, और फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास जो बिट्स आएंगी 0001, एंड सेकेंड ग्रुप में जो बिट्स आएंगे वो होंगे 1101. सो अगेन कन्वर्टिंग ग्रुप्स टू देयर डेसिमल इक्विवेलेंट, फर्स्ट ग्रुप की वैल्यू होगी 1, सेकेंड ग्रुप की वैल्यू बनेगी 13, तो उसका हमने हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिखना है, वो होगा D. तो ये आपको पता होना चाहिए कि 10 to 15 जो हमारे पास डेसिमल नंबर हैं उनके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर क्या क्या होंगे. 10 का इक्विवेलेंट A, 11 का इक्विवेलेंट B, 12 का C, 13 का D, 14 का E, 15 का F. सो इस एग्जांपल में जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर आएगा वो होगा D1 base 16. अगेन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए भी आप के लिए एक
एक्सरसाइज है जिसमें 0111 फोर टाइम वन को आपने उसके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में चेंज करके बताना है, और जो आंसर है वो आपने यूट्यूब कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो होप आपको डिटेल्ड प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा। विद दिस आई कंक्लूड टुडेज़ वीडियो लेक्चर। हैव ए नाइस डे।